अर्थप्रकाश देने में तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता कि आज भारतीय जनता पार्टी CAA के ऊपर कितनी सीरियस है और जगह जगह अभियान चलाए जा रहे हैं, और आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के MLA पंजाब से श्री अरुण नारंग जी, जो अबोहर से MLA हमारे बीच में मौजूद हैं, और आज हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि पंजाब बीजेपी की क्या प्रक्रिया है। जो लोगों के मन में डाउट है CAA के प्रति, उसको दूर करने के लिए पंजाब बीजेपी ने कौन कौन सी अपनी योजनाएं बनाई हैं। और मेरे बीच में मुझे नारंग साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए CAA के बारे में विस्तार, जो लोगों को कन्फ्यूज़न है उसके बारे में बताइए। CAA एक बहुत सिंपल सा कानून बना है, जिसका कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, दूसरी पार्टियां पूरे देश में एक भ्रम फैला के, एक झूठ का बोल के इसके खिलाफ जो अभियान चला रखा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। और जनता को ये समझाने की ज़रूरत है, ये CAA का जो कानून है ये हिंदुस्तान के किसी नागरिक पे लागू ही नहीं होता, ना तो किसी मुस्लिम भाई पे, ना किसी दूसरे पे। ये तो सिर्फ जो हमारे भाई पाकिस्तान में 1947 के बाद रह गए थे और जो वहाँ पे धार्मिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं, जिन पे अटैक हो रहे हैं, हमारे मंदिरों पे अटैक हो रहे हैं, गुरुद्वारों पे अटैक हो रहे हैं, वो लोग वहाँ से छोड़ के उनको आना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे दूसरे धर्म को वो लोग बर्दाश्त नहीं करते, वो उन पे अटैक करते हैं, और वो लोग बेचारे कहाँ जाएं, आखिर वो हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, हमारे देश में आते हैं। ये कानून ही इसलिए बना उन लोगों को, उन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने का कानून है। और इसमें ये समझ नहीं आती कांग्रेस पार्टी से, कुछ कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी ये कहती हैं उसके अंदर मुसलमानों को इंक्लूड किया जाए। मुसलमानों का इंक्लूड करना ये कहाँ तक ठीक है, इसके बताइए क्या क्या वो ये तो सोच रहे कि जो बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं वहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा, रोहिंगा मुसलमान आ रहे हैं, उनको यानी शरणार्थियों की श्रेणी में ना रखा जाए, क्या ये क्या वो ये सोच कर कह रहे हो कि मुसलमानों को इसके बीच में इंक्लूड करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। देखो, पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश अपने देश में किसी घुसपैठिए को नहीं घुसने देता। एक हमारे देश ही है जिसमें घुसपैठिए आते हैं और हमारी पार्टियां, जो अपोजिशन पार्टियां, वो उनके हक में बोलने लगती हैं कि घुसपैठिया क्यों आएगा हमारे देश में, हमारा नागरिक है, उसके लिए ये देश है, घुसपैठियों के लिए नहीं है। इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ तो होना ही चाहिए, लेकिन इस कानून में उनके बारे में भी कुछ नहीं है। इस कानून में सिर्फ जो धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होके आए हैं उनको नागरिकता देनी, वो तो अलग बात है। जो घुसपैठी आए हैं या दूसरे बांग्लादेशी आए हैं और आए हैं, वो तो NRC अभी प्रधानमंत्री जी ने बोला NRC हम नहीं करेंगे, उसके लिए अभी कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रम और एक धोखा झूठ फैला के लोगों को भड़का रहे हैं ताकि हिंदुस्तान में अनरेस्ट हो, और ये पाकिस्तान और दूसरे देशों को इसका लाभ मिल रहा है। वो लोग ये इसी भाषा में बोलते हैं, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ इस कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिंदुस्तान के किसी भी मुस्लिम भाई के लिए या किसी दूसरे के लिए, उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, उसके उस पर लागू ही नहीं होता ये कानून, लागू ही सिर्फ दूसरे। तो क्या आपने ये जो बातें विधानसभा के अंदर भी रखी थी जब आया था इस तरीके का? मैंने अपनी बात विधानसभा में रखी है, जितना हमें समय मिला वहाँ पे विधानसभा में बोलने का, डिबेट का, मैंने वो डिबेट करी है और यही बातें मैंने वहाँ रखी हैं। क्या पंजाब बीजेपी इस तरह का मुहिम चला रही है जैसे सेंट्रल बीजेपी चला रही है कि लोगों को घर घर जाकर CAA के बारे में बताया जाए, क्या आपने हल्के में भी आपने इस तरह की कोई मुहिम चलाई है? हम घर घर जाके, गांव गांव जाके मीटिंग्स करके ये बताते हैं लोगों को भी CAA का, और लोग समझते हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के लीडर नहीं समझ रहे, या ये जो जिन्होंने मुहिम चला रखी है वो नहीं समझ रहे, जनता समझ रही है। जनता सियाणी है, जनता को सब कुछ मालूम है, भी इस कानून के बारे में भी जनता को ज़्यादा मालूम है। लीडरों को समझाने की ज़रूरत है, जनता समझदार है, जनता समझती है, जाते हैं तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हमें। तो देखा भाइयों बहनों कि अरुण नारंग जी ने ये स्पष्ट कह दिया कि हिंदुस्तान की जनता ये सब कुछ समझती है, अगर समझने की ज़रूरत है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को है, विपक्ष को है और लीडरों को है, नेताओं को है। ये था डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और मैं अपने कैमरामैन राहुल तिवारी जी के साथ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।